हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज अपन जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो मेथड है, थर्ड मेथड, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपना क्या है, आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ा, सेकेंड पे आपका आता है इंडक्शन हीटिंग, और थर्ड है फिर आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन ने डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती क्या है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को अपन क्या बताते हैं कि जो भी डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं, उन डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को एज ए हीट के रूप में अपन क्या करते हैं, हीटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कैन बी स्टेट एज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप मेटेरियल बाई कोजिंग डाइलेक्ट्रिक मोशन इन इट्स मॉलिक्यूल यूजिंग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मतलब जैसे ही आप किसी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के अंदर या किन्हीं दो प्लेट्स के अंदर जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उस पर्टिकुलर प्लेट्स के अक्रॉस पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो भी आपने पावर सप्लाई लगाई उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो जो भी डाइलेक्ट्रिक जो भी आपका मटेरियल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। अब चूंकि आपने अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग सप्लाई आपने दी है सप्लाई, इसलिए जो उनका जो पार्टिकल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मोशन भी क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही उन मॉलिक्यूल्स की आपकी जो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, तो ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होता है, आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं। जैसे ही उनका मोशन ऑफ डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होता है, तो उसके साथ साथ ही जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले किसी और दिशा में ट्रेवल कर रहे थे, बट जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई, तो इनकी जो मोशन है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन भी क्या होता है, चेंज होता है। तो जैसे ही इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर फिर एक तरह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन बोले या अपन बोले, टकराने के कारण फिर क्या होता है, उनमें हीट अप होने लग जाते हैं वो। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शन चेंज होने को या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के बाद जाते हुए किसी और दिशा में जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डायलैक्ट्रिक रोटेशन। ठीक है, डायलैक्ट्रिक रोटेशन क्या है, जैसे ही आप किसी डायलैक्ट्रिक मटेरियल का क्रॉस अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे, तो उस अल्टरनेटिंग सप्लाई के कारण, एसी सप्लाई के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका मोशन भी क्या होता है, जो उनका मोशन भी चेंज होता रहता है। मोशन चेंज होने का मतलब उनके जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसी को बोलते हैं अपन प्रोसेस को डायलैक्ट्रिक रोटेशन। ठीक है, तो ऑल मेटेरियल आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर कंपोज ऑफ एटम्स। पोलर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। मतलब जितने भी आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मतलब दो पोल्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो एक पोल किसी और पोलरिटी पे होता है, दूसरा पोल दो अदर पोलरिटी पे, अपोजिट पोलरिटी पे होता है। व्हेन सच मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। व्हेन द अप्लाइड फील्ड ऑसिलेट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल अंडरगो रोटेशन इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व अलाइन विद द फील्ड। मतलब जो भी आपने फील्ड किया है उसकी डायरेक्शन में रहने के लिए वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जो रोटेशन है उसे क्या करते रहते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। व्हेन द फील्ड चेंजेस डायरेक्शन दीज मॉलिक्यूल्स आल्सो रिवर्स देयर डायरेक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक रोटेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है आपका, डायलेक्ट्रिक रोटेशन। ठीक है,
अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये इनका जो टेम्परेचर है वो आपका डिपेंड करता है किसकी, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, हीटअप होते हैं। इन द डायलेक्ट्रिक रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज। व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड्स और कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल, दिस एनर्जी गेट ट्रांसफर टू ऑल पार्ट्स ऑफ मटेरियल, हीटिंग ऑफ द मटेरियल। मतलब जैसे ही आपके एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, तो उस मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। वो मॉलिक्यूल जाके किसी अदर पार्टिकल से, अदर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, आपको कोलाइड करेगा, टकराएगा। तो इसी प्रकार जो आपके जो टेम्परेचर है वो पूरे मटेरियल को आपको क्या कर देता है, हीट अप कर देता है। मतलब जो टेम्परेचर का ट्रांसफर है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से होते हुए पूरे जो भी मटेरियल है उसके सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और आपका जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाता है, हीटअप होने लग जाता है। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और उस टेम्परेचर फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल के आपस में टकराने के कारण पूरे सरफेस पे आपका क्या हो जाता है, उस मटेरियल पे फैल जाता है, और उस पर्टिकुलर मटेरियल को पूरे सरफेस को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो ये होती है आपकी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। मतलब दो प्लेट्स के अंदर जो भी मटेरियल को अपन को क्या करना है, हीटअप करना है, उसको दो प्लेट्स के बीच में अपन क्या कर देंगे, रख देंगे, और फिर अपन पावर सप्लाई क्या कर देंगे उस पर, दोनों प्लेट्स के ऊपर उसका कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये तो था अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का। अब बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है, अपन नॉन मेटेलिक पार्ट्स होते हैं, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गए, बॉन्स हो गए, इन सभी को क्या करते हैं अपन, गर्म करने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो व्हेन नॉन मेटेलिक पार्ट्स सच एज वुड, प्लास्टिक, बोन्स आर सब्जेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, डायलैक्ट्रिक लॉस अकर्स। मतलब जैसे ही नॉन मेटेलिक पार्ट्स को आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, कि अगर आप उसको रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उनके अंदर फिर डायलैक्ट्रिक लॉस होता है, और इस डायलैक्ट्रिक लॉस को ही फिर अपन हीटिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन डायलैक्ट्रिक हीटिंग यूज ऑफ दिस लॉसेज इज मेड। मतलब जो भी जो आपके डायलैक्ट्रिक लॉस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर मेटेरियल के अंदर, वही लॉस उस पर्टिकुलर मेटेरियल को हीट करने के लिए क्या करते हैं, काम में आते हैं। द मेटेरियल टू बी हीटेड इज प्लेस्ड एज ए स्लैब बिटवीन मेटेलिक प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई। मतलब जो भी आपका मेटेरियल है जिसको आप हीटअप करना चाहते हैं, तो उनको क्या करते हैं अपन, दो मेटेलिक प्लेट्स या मेटेलिक इलेक्ट्रोड बोल लो, उन के बीच में अपन उनको क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, और जो अपनी सप्लाई है वो हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई होती है। फॉर प्रोड्यूसिंग सफिशियंट हीट फ्रिक्वेंसी मेड 10 and 30 MHz इज यूज। मतलब 10 से 30 MHz के बीच की यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो अपन यहाँ पर यूज लेते हैं, और जो वोल्टेज लेवल यहाँ पर अपन यूज करते हैं वो जनरली 20 kV तक अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। बट पर्सनल सेफ्टी को देखते हुए जो भी ऑपरेटर है, जो डायरेक्ट हीटिंग को क्या करेगा, आपका ऑपरेट करेगा, तो उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपन जनरली 600 से 300 किलो वोल्ट के बीच ही अपन वोल्टेज लेवल क्या करते हैं, काम में लेते हैं। द नेसेसरी हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई इज ऑब्टेंड फ्रॉम अ वाल्व ऑसिलेटर एज इन केस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग। तो हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग के केस में जो अपन फ्रिक्वेंसी प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, वाल्व ऑसिलेटर से, जो कि आपके हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, काम आते हैं। तो ऑसिलेटर क्या होता है, आपका वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आपको प्रोवाइड कराता है। द एन ओवरऑल एफिशिएंसी इज अबाउट 50%। मतलब इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है कितनी होती है, आपकी डायरेक्ट हीटिंग की 50% होती है। अगर अब अपन देखें कि यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे, आपका जो भी अपन ने अब तक देखा कि जो भी आपका डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, या जो भी आप मटेरियल है जिसको आप हीट करना चाहते हो, उसको इन दोनों स्लैब्स के बीच में यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, रख दिया।
और इन दोनों प्लेट्स या जो भी मेटलिक्स इलेक्ट्रोड बोल लो या इलेक्ट्रिक स्लेव मेटलिक स्लैब्स बोल लो, इन दोनों के बीच अपन ने स्मॉल ई जो कि आपका क्या है सप्लाई वोल्टेज है, या वी बोल लो कैपिटल वी हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई यहाँ पर अपन ने क्या कर दी अप्लाई कर दी। ठीक है, तो इस हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी जनरली 10 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, और जो वोल्टेज लेवल जो अपन जनरली अपन यूज़ करते हैं वो आपके 600 से 3 किलो वोल्ट तक अपन यह करते हैं यूज करते हैं। अब ये जो अपन ने अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया, अपन ने इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से यहाँ पर क्या किया है अपन ने दर्शाया है। तो ये आपके सप्लाई वोल्टेज क्या है कैपिटल वी, और जो ये अपना प्लेट्स हैं और इनके भी अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उसको अपन एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन से यहाँ पर क्या गया दिखाया है। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होंगे वो आपका क्या करेगा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपके डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो भी आपकी हीट प्रोड्यूस होगी वो इस रेजिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक लॉस होने के कारण वो हीट आपकी क्या होगी प्रोड्यूस होगी। और इस पैरेलल पूरे कॉम्बिनेशन का या इस पूरे इक्विवेलेंट सर्किट का जो फेजर डायग्राम है अपन ने आपका जो फिगर सी है उसमें अपन ने क्या दिखाया है दिखाया है। तो अगर अपन आप क्या माने अगर अपन रेफरेंस वोल्टेज को माने तो जो आपका आईआर करंट होगा वो क्या होगा वी अपॉन आर, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई भी फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए जो भी आपका वोल्टेज है उसी के फेज में आपका क्या होगा आईआर जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो आपका उसी फेज में आएगा। इसलिए जो वोल्टेज है उसके फेज में अपन ने क्या दिखाया है आईआर, जो आईआर क्या है आपका रेजिस्टेंस से प्रवाहित होने वाला करंट। और अब जो आपका कैपेसिटर से जो करंट जा रहा है वो क्या होगा आपका यहाँ पर वी अपॉन एक्ससी, और एक्ससी क्या है आपका 1/ωc, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πf। तो अगर यहाँ से अपन आईसी कैलकुलेट करें तो वो क्या हो गया 2πf इंटू वी। ठीक है, और अगर अपन फेजर इंक्लूड करते हुए चलें फेज एंगल इंक्लूड करते हुए तो चलें आपका करंट होगा मैग्नीट्यूड तो होगा आपका 2πfcv, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो इसका फेज एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसलिए जो आपका कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका वोल्टेज का जो फेजर है उसे 90 डिग्री क्या होगा आगे होगा। इसलिए जो अपन ने यहाँ पर कैपेसिटर के करंट द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है आईसी उसका जो फेजर बनाया है वो वोल्टेज से अपन ने क्या बनाया है 90 डिग्री आगे बनाया। और अगर अपन टोटल करंट आई माने जो कि किसके बराबर आपके आईसी प्लस आईआर दोनों का अगर फेजर सम करें तो अपन को क्या मिल जाएगा अपना टोटल करंट कैपिटल आई अपन को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और कैपिटल आई और जो अपना टोटल करंट और जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बीच अपन ने एंगल क्या माना है फाई माना। ठीक है, तो ये है अपने जो भी आपका पैरेलल प्लेट्स के बीच जो भी आपने हीटिंग मटेरियल रखा जिसको अपन क्या करना है गर्म करना है, और उसका इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम अपन देखा। ठीक है, तो द करंट ड्रॉन बाय द कैपेसिटर व्हेन एन एसी सप्लाई इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू प्लेट्स डज नॉट लीड द सप्लाई वोल्टेज बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री, मतलब जो भी आप वोल्टेज एसी वोल्टेज अप्लाई करते हो तो जो कैपेसिटर के द्वारा जो करंट फ्लो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री वहाँ पर लीड नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या है कुछ ना कुछ पार्ट आपका क्या रहता है लॉसेज का जाता है। देर इज ऑलवेज एन इन फेज कंपोनेंट ऑफ द करंट ड्यू टू दिस इन फेज और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब जो अपन वहाँ पर जो अपन ने आर दिखा रहे थे या जो ये इन फेज कंपोनेंट होता है किसका करंट का, तो इस इन फेज करंट के कंपोनेंट के कारण ही यहाँ पे क्या होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं, और वो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो हो रहे हैं वो आपके फिर जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने वहाँ पर रखा या जो भी हीटिंग मटेरियल जिसको आपको क्या करना है गर्म करना है वो रखते हैं तो उसको फिर गर्म करने के लिए क्या डाइलेक्ट्रिक लॉस हैं क्या कर सकता है काम आते हैं।
एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक लॉस. द डाइलेक्ट्रिक लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई गिवन टू द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. मतलब ये आगे अपन डेराइव करेंगे कि डायरेक्टली जो डायरेक्ट्रिक लॉस है वो अपने किसके इक्वल आएंगे. तो वहाँ अगर अपन देखेंगे तो जो डायरेक्ट्रिक लॉस आपके उस मटेरियल में हो रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल आते हैं आपके फ्रिक्वेंसी के, साथ ही साथ जो आप सप्लाई वोल्टेज जो आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल समानुपाती वो डायलेक्ट्रिक लॉस आपके होते हैं. द फिजिकल कंसेप्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक लॉस इज जस्ट एज ए मोलिकुलर फ्रिक्शन इन द डायलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन एन एसी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट. तो ये वही बात है जो अपन ने इंट्रोडक्शन में देखी थी कि आपका जो डायलेक्ट्रिक लॉस है वो क्या है, जस्ट मोलिकुलर्स का आपस में टकराना. तो उन मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो उस हीट के कारण जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है वो टेम्परेचर ही है आपका फिर उस जो मटेरियल है उसको क्या गर्म करने के लिए क्या काम आ रहा है. तो जो अपन ने इंट्रोडक्शन में सेम प्रोसेस देखा था वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि द फिजिकल कंसेप्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक लॉस इज जस्ट एज ए मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इन द डायलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन एन एसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अप्लाई टू इट. ठीक है. अब अगर अपन बात करें द मटेरियल टू बी हीटेड मे बी कंसिडर्ड एज इम्परफेक्ट डायलेक्ट्रिक ऑफ ए कंडक्शन. मतलब जो भी मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं तो अपन उसे क्या मान सकते हैं, परफेक्ट डायलेक्ट्रिक नहीं मान सकते. उसको अपन मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, इम्परफेक्ट डायलेक्ट्रिक कंडक्शनर है. सॉरी. इसीलिए जो आपने कैपेसिटर वहाँ पर जो अपन ने दिखाया है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ वहाँ पर क्या दिखाया है. ठीक है. तो ये वही बात है कि जो अपन पहले बोल रहे थे कि जो कैपेसिटर जो करंट ड्रॉ करता है सप्लाई सिस्टम से वह एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होता, किससे, जो भी आपका वोल्टेज है उससे 90 डिग्री लीड नहीं करता. वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो भी आपका डायलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है. उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का पार्ट वहाँ पर रहता है. इसलिए जो इम्परफेक्शन का कारण है वो अपन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू बताया है. इसलिए जो इक्विवेलेंट सर्किट अपन ने बताया था उसमें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस के साथ साथ वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका दिखाया अपन ने, रेजिस्टेंस का दिखाया. तो फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट इज शोन इन द फिगर 5.20c. इफ वी सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्ज, और सी क्या है आपका कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्शन इन फेरेड, और फाई क्या है आपका पावर फैक्टर एंगल है, और कोस फाई क्या है आपका पावर फैक्टर ऑफ द लोड और चार्ज, जो भी आप मीटर वहाँ पर लगोगे उसका जो पावर फैक्टर है उसको अपन ने क्या माना है, कोस फाई. तो अगर अपन यहाँ पर बात करें तो आपका जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपन ने यहाँ पर क्या माना है, एक्स सी, जो भी किसके बराबर है, 1/ωc, और ओमेगा इसके बराबर है 2πf के. ठीक है. तो IC इक्वल टू क्या हो गया, V/XC, और XC की वैल्यू अगर अपन रखें तो 1/2πfc. तो 2πfc वाली जो टर्म है वो आपके मल्टीप्लाई में किसके आ जाएगी, वोल्टेज की, सप्लाई वोल्टेज की. इसलिए जो ओवरऑल कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है IC वो क्या हो जाएगा आपका, 2πfc × V. तो ये आपके कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट हो गया, जहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो आपकी फेरेड में है और वोल्टेज क्या है आपका, वोल्ट्स में है. और अगर अपन सप्लाई वो करंट की बात करें तो अपन उसको बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके है, सप्लाई करंट आपकी IC के इक्वल है. ऑलमोस्ट, अपन एग्जैक्ट नहीं कह रहे, ऑलमोस्ट इक्वल टू आपकी क्या है यहाँ पे सप्लाई करंट वी, जो कैपिटल आई है वो किसके इक्वल है, IC के, और IC किसके इक्वल है आपकी, 2πfcv. तो जब यहाँ भी आप जो यहाँ जो भी पावर लॉस होंगे आपके, तो पावर प्रोड्यूस भी क्या हो गई आपके यहाँ पे, VI cos φ. पावर क्या होती है, VI cos φ. ठीक है. तो यहाँ पे अपन ने I की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दी, यहाँ पर अपन ने पुट कर दी, तो I की वैल्यू क्या है आपकी, IC के बराबर, और IC के इसके बराबर है 2πfcv. तो ओवरऑल यहाँ से जो पावर लॉस या जो पावर प्रोड्यूस आपके यहाँ से निकल के आई वो क्या हो गई, 2πf × C ×
वी स्क्वायर कोस फाई। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपनी जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स पे आपका क्या कर रहा है, जो भी आपके डायरेक्टली लॉस होंगे या जो पावर जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और जो आपका सप्लाई वोल्टेज है उस पर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉन्स्टेंट। इसलिए अपन ने क्या बोला कि जो भी पावर लॉस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू किसके फ्रिक्वेंसी के, और स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके है, आपके वोल्ट सप्लाई वोल्टेज। क्योंकि जो भी आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, आपका कॉन्स्टेंट होता है। द डायलेक्ट्रिक हीटिंग डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज बाई वेरिंग वन ऑफ दिस टू पैरामीटर क्वान्टिटीज द रेट ऑफ डायलेक्ट्रिक हीटिंग कैन बी वेरिड। मतलब इन दोनों पैरामीटर्स में से किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी डायलेक्ट्रिक हीटिंग हो रही है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बट अगर अपन हाई वोल्टेज की तरफ जाएं तो क्या होगा, फिर वहाँ पर अपन को फिर इंसुलेशन की दिक्कत होती है। इसलिए द इंसुलेशन प्रॉब्लम लिमिट्स द वोल्टेज टू बी यूज्ड, हैंस टू अचीव मोर हीट हाई फ्रिक्वेंसी इज यूज्ड। तो अपन जो देख रहे थे जो कि अपन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी यूज कर रहे हैं, 10 to 30 MHz, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि वोल्टेज को अपन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होती है, अपन को इंसुलेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, साथ ही साथ पर्सनल सेफ्टी को भी अपन क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। इसीलिए जो आपका अदर पैरामीटर है उसको फिर अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जो कि आपका क्या है, फ्रिक्वेंसी। इसलिए फिर आपको अगर अधिक हीटिंग चाहिए, मोर टेम्परेचर चाहिए, तो फिर अपन हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ अपन क्या करेंगे, बढ़ेंगे और हाई फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये थी अपने डायलेक्ट्रिक हीटिंग। अब बात कर लेते हैं डायलेक्ट्रिक हीटिंग के क्या क्या लाभ हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं इसके। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो भी आपका मेटेरियल हीट होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब यूनिफॉर्म हीटिंग यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, तो जो भी हीट डेवलप होगी वो पूरे मटेरियल के ऊपर यूनिफॉर्मली जनरेट होगी और आपको एक तरह से यूनिफॉर्म हीटिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। सेकेंड एडवांटेज है, एज मटेरियल हीटेड बाय दिस प्रोसेस आर नॉन कंडक्टिंग, सो बाय अदर मेथड्स हीट कैन बी कंडक्टेड टू इनसाइड सो इजीली। मतलब जो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आप हीट करना चाह रहे हो तो उनकी जो हीटिंग है वो डायलेक्ट्रिक, उस केस में डायलेक्ट्रिक हीटिंग अभी क्या होती है, सबसे आसान तरीका है हीटिंग का, अदर जितने भी आपके हीटिंग के मेथड है उसकी तुलना में। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के केस में आप की जो हीटिंग है वो डायलेक्ट्रिक हीटिंग सबसे इजीली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल हीट ऑटोमेटिकली, डायलेक्ट्रिक हीटिंग केस में आपके जो वोल्टेज है उसको आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हो। हीटिंग प्रोसेस इज नीट एंड क्लीन, जो भी आपका हीटिंग प्रोसेस है वो साफ़ सुथरा होता है, कोई इसमें फ्ल्यू गैस वगैरह आपके जनरेट नहीं होती ही। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो वोल्टेज की हीटिंग की जो रेट है वो आप यहाँ पर हाई रेट को यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ये थे अपने एडवांटेज किसके, आपके डायलेक्ट्रिक हीटिंग के। अब इसकी अपन एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ डायलेक्ट्रिक हीटिंग को यूज़ में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला है आपका प्री हीटिंग ऑफ प्लास्टिक प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो जितने भी आपके रॉ मटेरियल है वो चाहे आपके टेबलेट्स हों, बिस्किट्स हों, तो उन सभी को अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिक प्री फॉर्म्स बोलते हैं। तो इन सभी की हीटिंग के लिए अपन क्या करते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके जो टेबलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, इनकी अगर बात करें तो इनको पर्टिकुलर शेप देने के लिए क्या किया जाता है, मोल्ड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस मोल्ड्स में उनको प्लेस करने से पहले अपन को जो हीटिंग, अपन को जो हीटिंग की ज़रूरत का वहाँ पर क्या पड़ती है, नहीं तो क्या होगा कि जो भी आपके
जो भी प्लास्टिक फ्री फॉर्म्स हैं वो क्या होंगे, आपके जो भी मोल्ड है उसके अंदर उनकी जो हीटिंग होगी वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, और जो ठंडा होने के बाद जो वो हार्ड रूप लेंगे या जो भी हार्ड मटेरियल आपको मिलेगा वो क्या होगा, उसमें अनइक्वल कूलिंग होगी, जिसके कारण उनकी अनइक्वल क्या होगी, हार्डनिंग होगी, कहीं से वो सॉफ्ट रह जाएंगे और कहीं से वो क्या हो जाएंगे, आपके हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि जितने भी आपके प्लास्टिक प्रिफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपको क्या चाहिए होती है, यूनिफॉर्म हीटिंग वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, इसलिए फिर अपन किस का यूज़ करते हैं, यहाँ पर डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकेंड है डायथर्मी। तो जो भी हीट टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं, बॉडी की जितने भी टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं, उन सभी को गर्म करने के लिए, वो गर्म आप किसी भी रीजन से कर सकते हो, चाहे वो आप किसी बीमारी के इलाज के लिए या बॉडी पेन को दूर करने के लिए, तो उस केस में फिर अपन किसका यूज़ करते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग हीटिंग में प्रोसेस है आपका, मतलब यहाँ से आप कोई भी पावर सप्लाई से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपका मटेरियल का नहीं होता है, इसलिए जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं, उन सभी की हीटिंग के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यहाँ पर यूज किया जाता है। थर्ड है आपका ग्लूइंग ऑफ वुड। जो भी आपकी लकड़ी है उस ग्लूइंग के लिए या ग्लूइंग मेथड के लिए फिर अपन किसका यूज़ करते हैं, आपका डायलेक्ट्रिक हीटिंग का मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है। डायलेक्ट्रिक हीटिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ग्लूइंग ऑफ वुडन शीट्स बोर्ड्स, एज इन दिस मेथड ऑफ ग्लूइंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुडन शीट रिमेन अनअल्टर्ड। मतलब जो भी आपका वुडन का जो भी मॉइस्चर है वो डायलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में अनअल्टर रहता है, मतलब उस पर कोई उसका प्रभाव, हीटिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। बेकिंग ऑफ फाउंड्री कोर्स। तो जितने भी आपके फाउंड्री कोर्स हैं वहाँ पर आपका किसका यूज़ किया जाता है, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है। इन फाउंड्री रेजिन टाइप थर्मोसेटिंग बाइंडर्स आर एम्प्लॉयड द सेट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। मतलब जितने भी थर्मोसेटिंग बाइंडर्स होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं व्हेन ब्रॉट टू पॉलीमराइजिंग टेम्परेचर। जब उनको क्या किया जाता है, पॉलीमराइजिंग टेम्परेचर के पास जब उनको लाया जाता है तो इंस्टेंटेनियसली वो क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो द डायलेक्ट्रिक हीटिंग एवेपोरेट्स वाटर रेपिडली फ्रॉम द कोर मिक्स एट द सेम टाइम रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोर मेटेरियल टू टू पॉलीमराइजेशन पॉइंट। ठीक है, हैंस हीटिंग डायलेक्ट्रिक हीटिंग मोस्ट सुटेबल फॉर बेकिंग फाउंड्री कोर्स मिक्स विथ थर्मोसेटिंग रेजिन टाइप बाइंडर्स। ठीक है, तो जितने भी आपके थर्मोसेटिंग बाइंडर्स होते हैं जो कि आप अलग अलग जो भी आपके मटेरियल्स हैं उनको कनेक्ट करने के, बाइंड करने के काम आते हैं, तो उनकी हीटिंग के लिए या वो वहाँ पर जो पॉलीमराइजिंग टेम्परेचर है उसको प्राप्त करने के लिए डायलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ है आपका स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी आपके बैंडेज हैं, कॉटन्स हैं, स्टेराइल गोज हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी की हीटिंग के लिए आप अपन किसका यूज़ करते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग, तो जनरली अपन देखें जो भी रेनकोट्स होते हैं, अम्ब्रेला होते हैं, छाते होते हैं, फूड कंटेनर होते हैं जिनके अंदर फूड अपन फिलिप करके रखते हैं, मेडिसिन कंटेनर जिनके अंदर, जिन पैकेट्स के अंदर दवाइयाँ आती हैं, तो उन सभी की हीटिंग के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, डायलेक्ट्रिक हीटिंग का अपन यहाँ पर क्या होता है, यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विंग द फिल्म टू बी स्टिच्ड आर रोल्ड इन बिटवीन कोल्ड रोल्स टू विच रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज इज अप्लाइड। द हीट प्रोड्यूस इन द मेटेरियल सील्स इट ऑल अलोंग द लाइन वेयर द मैकेनिकल प्रेशर इज अप्लाइड। मतलब जो भी आपके मेडिसिन वगैरह हैं उनके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उस हीट के कारण जो भी आपका मेटेरियल है या जो भी आपका प्लास्टिक फिल्म मेटेरियल है वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, आपस में बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, सील हो जाते हैं, तो
इन सभी प्रोसेस के लिए अपन किसका यूज करते हैं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। द कोल्ड रोटर रोलर्स प्रिवेंट द आउटर सरफेस ऑफ द फिल्म बीइंग सॉफ्टन, मतलब जो भी कोल्ड रोलर्स हैं वो बाहरी जो सरफेस है आपका फिल्म का उसको सॉफ्ट होने से यहाँ पर क्या करते हैं, बचाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आपका क्या जो जितने भी सुखाने के तरीके होते हैं उन सभी तरीकों में आप किसका यूज़ करते हो, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ड्राइंग पर्पज़ के लिए जो हीटिंग का यूज़ किया जाता है वो अपनी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग वहाँ पर होती है। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो हीटिंग यूज़ की जाती है, जितने भी अपन खाने को चाहे वो गर्म करना गर्म रखने की बात हो या जितने भी अदर जो फूड आइटम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करने की बात हो, तो फिर वहाँ पर अपन किसका यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन यूज़ है किसका, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का, किसमें, फूड प्रोसेसिंग। द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग फूड फूड प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड। इट हैज़ ब्रॉट मेनी एडवांटेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड हैज सेट फॉर सच प्रोसेस विच आउटसाइड द रेन ऑफ कुकिंग। मतलब ये मोस्ट कॉमन मेथड है आपका किसका, फूड प्रोसेसिंग के अंदर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग। ठीक है, तो ये थे अपने एप्लीकेशन किसके, आपके डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी सेशन में अपन ने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।